हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और अभी मैं ऊपर आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। और मेरा कल का वीडियो नहीं आया है, क्योंकि मैंने अपलोड तो कर दिया था वीडियो, लेकिन पता नहीं किस कारण के लिए, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई शायद, जो मेरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ तो मुझे उसको ना डिलीट करना पड़ा था, तो इसीलिए मेरा वीडियो कल नहीं आया मेरा। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना वीडियो डालती हूँ, तो इसीलिए मैं अभी सुबह आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और तो फिर चलते हैं और नीचे, और अभी कुछ नाश्ता बना लेते हैं, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। और आज जो है सुबह, रात से ही बारिश हो रही थी, तो अभी थोड़ा सा मौसम मतलब साफ है, तो इसीलिए मैं ऊपर कपड़े को सुखा दी हूँ। तो फिर चलिए नाश्ता बना लेते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं आ गई हूँ नीचे, तो चलिए बना लेते हैं कुछ नाश्ता। और आज मैं नाश्ते में सूजी का उपमा बनाने वाली हूँ, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। फिर क्या है जो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे चीटियाँ रखी है, तो मैं अभी इसको ढक लूंगी थोड़ा सा। और यहाँ पे बहुत ज्यादा चींटी है, पता नहीं कैसे आ गई है, तो इसको मैं अभी इसमें काट लूंगी। लक्ष्मण रेखा बोल रही हूँ, अभी मैंने निकाल लिया है मुझे जो जो चाहिए थे। और जो चीज़ें चाहिए थी मैंने अभी निकाल लिए हैं, और सबको मैं धो के अभी काट लूँगी। और आज पता नहीं यहाँ पे मेरे किचन में बहुत ज़्यादा चींटी हो रहे थे, तो इसलिए मैंने लक्ष्मण रेखा को काट दिया है। और अभी अभी मुझे जो भी चॉपिंग करनी है मैं कर लूँगी। तो अभी मैं इसमें एक प्याज काट रही हूँ और टमाटर काट रही हूँ, और आज मैं सूजी का उपमा बनाने वाली हूँ, तो मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है। पेड़ है तो पौधा है, तो मैं वहीं से इसको लाई हूँ। और अभी मेरा चॉपिंग भी हो चुका है, आप लोग देख सकते हो मैंने प्याज को काट लिया है, और एक दो हरी मिर्च ले लिए हैं, और एक धनिया पत्ती, और एक करी पत्ता, और ये टमाटर। तो मैं इन सब चीजों के साथ ही बना रही हूँ आज। और पहले मैं मूंगफली को थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी, और बाद में मैं बनाऊंगी। और हम लोग जब ऑयल डालते हैं ना, तो उसमें भी इसको फ्राई कर सकती थी मैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये क्रंची नहीं लगता है फिर, इसीलिए मैं ऐसे ही पहले फ्राई कर ले रही हूँ, और बाद में इसमें जो कुछ डालना होगा मैं डाल दूँगी। जब भी मैं अकेली होती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कुछ बनाने का मन नहीं करता है।
और अभी मैं जो मूंगफली के दाने हैं उसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है और अभी मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसको मैं ऑयल में फ्राई नहीं करती हूँ क्योंकि ऑयल में फ्राई करने से इसका क्रंचीपन चला जाता है, इसलिए मैं इसको पहले सूखा फ्राई कर लेती हूँ। और अभी मैंने ऑयल ले लिया है और मैंने अभी रिफाइन का ऑयल लिया है और अभी इसमें मैं सूजी को डाल दूँगी और जब तक ये फ्राई ना हो जाए, रेड कलर ना हो जाए, उसको पका लूँगी। और अभी मैं इसको रेड होने तक भून लूंगी और फिर मैं ये सब इसमें ऐड करूंगी। और अभी मेरा सूजी का कलर ब्राउन हो चुका है तो अभी मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। और अभी मैं फिर से थोड़ी सी ऑयल ले लूँगी और उसमें मैंने थोड़ी सी जीरा और थोड़ी सी राई डाल दिया है और जीरा और राई को चटकने दूँगी और फिर मैं इसमें सारे जो मैंने चॉपिंग करके रखे हैं उसको डालूँगी। तो अभी मैं हरी मिर्च को डाल रही हूँ, फिर मैं कड़ी पत्ता को डाल रही हूँ और फिर मैं प्याज को भी डाल दूंगी और थोड़ा सा ब्राउन होने तक पका लूंगी। और मेरा प्याज अभी ब्राउन हो चुका है तो अभी मैं इसमें टमाटर को ऐड कर दूंगी और टमाटर को भी थोड़ा सा पका लूंगी जब तक ये गल जाए तब तक। और इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक दे दूंगी, थोड़ा सा मतलब स्वाद के हिसाब से देना होता है तो मैं स्वाद के हिसाब से इसमें नमक और हल्दी ऐड कर दूंगी और इसको थोड़ा सा ढक कर पका लूंगी। और अभी मेरा टमाटर गल चुका है तो अभी इसको मैं थोड़ा सा मैश कर दूंगी और अभी इसमें मैं सूजी और जो मूंगफली के दाने हैं उसको ऐड कर दूंगी। और इसको अच्छे से मिला लूंगी और उसमें जितना पानी डालना होगा उतना डाल दूंगी। और उधर मैंने चाय भी चढ़ा दी है और मैं थोड़ी सी ही चाय बनाऊंगी क्योंकि मुझे अकेला पीना है चाय। और अभी मेरी सूजी का उपमा लगभग हो गया है तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा शक्कर भी डाल दूंगी क्योंकि मुझे मीठा और नमकीन दोनों पसंद है इसलिए। और अभी मेरी सूजी बनकर तैयार है तो अभी मैं चाय में दूध डाल दूंगी। और अभी मेरा चाय बन चुका है तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ते के बाद मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ तो आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। और अभी मैं यहाँ सब्ज़ी काट रही हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ सहजन की सब्ज़ी तो मैं सारे सहजन और आलू को काट लूँगी और इसके रेशों को जो रेशों हैं उसको सब निकाल लूँगी।
और सहजन की सब्जी खानी चाहिए, क्योंकि वैसे तो ये सीजन में ही मिलता है, लेकिन अगर आपके मार्केट में मिल रहा है तो आपको खानी ही चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और बीपी वाले जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है ये सहजन की सब्ज़ी खाने से। तो अभी मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया है और इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी, उबाल लूँगी थोड़ा सा, और उबाल कर ही मैं बनाती हूँ। फ्राई, कोई कोई फ्राई करके बनाते हैं लेकिन मैं उबाल कर बनाती हूँ और मुझे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और इसको जल्दी से मतलब गल जाए इसीलिए मैंने इसमें नमक और हल्दी डाला हुआ है। तो इसको मैं ढककर थोड़ी देर पका लूँगी। और अभी इधर मैं जो सरसों के दाने होते हैं उसको निकाल रही हूँ, इसको राई बोलते हैं। तो इस सब्ज़ी में सरसों के जो राई होते हैं वो इसके मेन होते हैं, तो इसमें मैं सरसों के दाने और प्याज और लहसुन को मतलब पीस लूँगी। और अगर आप लोग जीरा देके बनाते हो तो कभी सरसों के दाने देकर बना के देखना, बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी। तो अभी मैं लहसुन को भी मैंने दे दिया है और आज मैं लहसुन को नहीं छील रही हूँ क्योंकि मेरे उंगली में थोड़ा सा दर्द है, इसलिए मैं नहीं छील पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने ऐसे ही दे दिया है। और मैंने थोड़ा सा पानी देके इसको थोड़ा देर फूलने के लिए भी छोड़ दिया है। और अभी मैं दो टमाटर ले लिया है और इस टमाटर को भी मैं इसका प्यूरी बना लूँगी। और अगर आप लोग चाहें तो इसको काट कर भी डाल सकते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका पेस्ट बना लूँ। और काट कर डालने से ना गुठली गुठली रह जाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इसको पेस्ट बना के ही डालूँगी। और इधर मैंने धनिया पत्ती और प्याज काट लिया है और इधर मैं देख चेक कर रही हूँ कि मेरा सहजन अभी पका है कि नहीं पका है। तो मैंने देखा कि आलू थोड़े से मतलब नहीं पके हैं, तो थोड़ी और टाइम लगेगा पकने के लिए। और इधर मैं चावल बना रही हूँ, आज मैं कुकर में चावल बना रही हूँ। तो इधर मैंने चावल को धो के डाल दिया है और इसमें जितने मुझे पानी चाहिए उतना दे दिया है। और ये उसना चावल है क्योंकि हम लोग यहाँ उसना चावल खाते हैं। और अभी मेरी जो सहजन और आलू है वो पक चुका है, तो अभी मैं इसको निकाल लूँगी एक बर्तन में और मैं उसी कढ़ाई में फिर सब्जी को छौंका लगाऊंगी। और अभी मैंने सरसों का ऑयल लिया है और मेरा सरसों का ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें जीरा डाल दूँगी और थोड़ा सा हींग भी मैंने इसमें डाला है और एक खड़ी मिर्च को भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं प्याज डाल दूंगी और प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई कर लूंगी। और अभी मेरा प्याज ब्राउन हो चुका है, तो अभी मैंने जो प्यूरी बनाया था उसको मैं इसमें डाल दूंगी। और पहले मसाला मैं नहीं डालती हूँ इस सब्ज़ी में, क्योंकि सरसों का जो मसाला होता है ना वो ज़्यादा पकने से उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, मतलब कड़वी हो जाती है, जैसे करेला जिसका टेस्ट करेला जैसे टेस्ट होता है ना उस वही टेस्ट आने लगता है। तो आप लोग ना पहले टमाटर को डालें फिर इसको डालें, और इसको ज़्यादा पकाना नहीं होता है जो सरसों का जो पेस्ट है मसाला है, आप थोड़ा सा ही बस मतलब इधर उधर करके बस उसमें सब्जी डाल सकते हैं। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। और मैंने इसमें थोड़ा से सूखे मसाले लिए हैं, सूखे मसाले मतलब थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो कि कलर के लिए है मैंने कलर के लिए, और थोड़ा सा हल्दी भी डाल दिया है। और जो मेरा टमाटर का प्यूरे था उस हिसाब से मैंने नमक डाले हैं, क्योंकि मैंने हल्दी और नमक तो पहले से ही सब्ज़ी में डाल दिया था, इसलिए मैं थोड़े थोड़े ही ली हूँ इसमें। और अभी मेरा टमाटर का प्यूरे तैयार हो चुका है, तो अभी मैं इसमें जो मेरा सरसों का पेस्ट है मैं उसको डाल दूँगी।
और ये जो मैंने सब्जी में पानी ज़्यादा डाला हुआ था तो उसी पानी को मैं इसमें ले रही हूँ। और अभी मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी और हम लोगों को इसका मतलब जो मसाले ऑयल रिलीज़ करने तक नहीं पकाना है इसको, बस थोड़ा सा ही पकाना है। और थोड़ा सा पकने के बाद मैं इसमें सारे सब्जियों को भी डाल दूँगी। और अभी मेरा मसाला रेडी है तो अभी मैं इसमें सब्जी डाल दूंगी। और देखिए मैंने इसमें सब्जी डाल दिया है और मुझे जितना ग्रेवी चाहिए मैं उतना पानी भी डाल दूंगी। और इसमें बड़ी भी देके बनाते हैं लेकिन मैं नहीं दे रही हूँ बड़ी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा सब्ज़ी हो जाएगी बड़ी देने से, तो इसलिए मैं थोड़ी सी जो सहजन है उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और अभी मैं हरा धनिया दे दूँगी। और अभी मेरा सब्ज़ी बन चुका है दोस्तों, और अब चलते हैं लंच करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा खाना मैंने बना लिया है तो अभी हम लोग कर लेते हैं लंच। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कीजिए। और अगर मेरा जो मैंने जो सहजन की सब्जी बनाया अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।